ज्यादा खे इन्हें आला हजरत से नफरत क्यों है, इन्हें आला हजरत से अदावत क्यों है, इन्हें आला हजरत से दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि आला हजरत का मसलक शरीयत का मसलक है, आला हजरत का मसलक दीन का मसलक है, आला हजरत का मसलक इश्क रसूल का मसलक है, आला हजरत का मसलक अदब औलिया का मसलक है। लेकिन प्यारे ये बेलगाम घोड़े आला हजरत के मसलक के नीचे इन्हें करार नहीं मिल सकता, इसलिए कि आला हजरत के मसलक में जायज नहीं है कि हाथ में काड़ा बांधे जाए, आला हजरत के मसलक में ये जायज नहीं है कि लाल और काले धागे बांधे जाए, आला हजरत के मसलक में ये जायज नहीं है चार चार अंगूठियां पहन करके ये हिजड़े बारगाह करीब नमाज में बैठे, आला हजरत के मसलक में ये जायज नहीं है कि अनीरे बाकिया की शान में फूंकने वाला खाजा करीब नमाज की बारगाह में बैठकर अपने खातिब होने का दावा करे। इसलिए इन्हें आला हजरत कबूल नहीं है, आला हजरत कबूल नहीं है, क्या मतलब इन्हें शरीयत कबूल नहीं है, इन्हें दीन मसल के आला हजरत के बैनर तले रहेंगे तो बेलगाम घोड़ों की तरह हिलहिलाना बंद हो जाएगा, मसल के आला हजरत के लगाम बैनर तले रहेंगे तो फिर ये चोरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मसल के आला हजरत के बैनर तले रहेंगे तो औरतों के साथ जाकर के मुजरा करना बंद हो जाएगा, अगर मसल के आला हजरत के बैनर तले रहेंगे तो अय्याशियों के अड्डे बंद हो जाएंगे। ये जालिम अय्याशियां करना चाहते हैं और अपने आप को ख्वाजा पाक का खातिम बताते हैं, याद रखे इनका ताल्लुक गरीब नवाज से कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकी मानों में अजमेर के चाहने वाले ख्वाजा के दीवाने वही है जो इमाम अहमद रजा के मसलक वाले है, वही ख्वाजा के दीवाने है, वही ख्वाजा के मसलक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह आला हजरत जिंदाबाद, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। याद रखो मसल के आला हजरत यह है तमाम सहाबा का एहतराम किया जाए, मसल के आला हजरत क्या है, मसल के आला हजरत यह है कि सहाबा की गुस्ताखी ये माफियत है, ये सहाबा की गुस्ताखी ये दलालत है, सहाबा की गुस्ताखी ये बिदात है, सहाबा की गुस्ताखी ये खून के मसलक से फुदूल करना है, ये मसल के आला हजरत है। लेकिन ये जालिम कहते हैं अभी ये नाहंजार चर्सी का बयान में सुना मेरा कलेजा फटने लगा, याद रखे अमीर माविया की शान बहुत अजीम है, सारे अखबार सारे अख्ताब, अरे एक ख्वाजा क्या हजारों ख्वाजा मिलकर, एक गौस क्या हजारों गौस मिलकर अमीर माविया के मकाम तक नहीं पहुंच सकते, अमीर माविया के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकते। ये शान अमीर माविया है, ये वो है कातिबे वही है अल्लाह अकबर, ये वो है हजरत उम्मे हबीबा जो हमारी और आपकी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, उनके भाई है हजरत अमीर माविया, ये वो है कि जिनके बारे में कुरान कहता है रजी अल्लाह अनहु व रदु अनहु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। हजरत अमीर माविया कौन है आप सुन तो रहे हैं, जहन करीब जो है हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने फरमाया कुल्लन वादल्लाहु हुस्ना, ये तमाम सहाबा जो है अल्लाह ने इन तमाम से जन्नत का वादा फरमाया है, बोलिए मोहब्बत से किसका वादा फरमाया है, जन्नत का वादा फरमाया है, और ये जहन्नम के कुत्ते ये बिदअती ये नाजायज हरकतें करने वाले ये गैर शरी अफाल करने वाले अपने आप को कहते हैं ख्वाजा की औलाद है और नारा लगाते हैं सिर्फ इमाम हुसैन का, अरे अमीर माविया कौन है नादान, हजरत मौला अली की मोहब्बत का दावा करता है, कम से कम इतना तो खूब ही कर ले कि मौला अली के बेटे जहाँ इमाम हुसैन है वही इमाम हसन भी है, क्या है इमाम हसन भी है,
हजरत अमीरे माविया की शान सिरसा हुसैनी बनने से काम नहीं चलेगा। हुसैनी बनना तुम्हारा मुकद्दर है, लेकिन हमारा मुकद्दर तो यह है कि हम भागलपुर के हो या कहीं और के हो, जितने आला हजरत के चाहने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हुसैनी भी है, हसनी भी है। इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया, क्या बात है रजा, वो चमनिस्तान है करम की, सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। हजरत मैं करना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, अली में सारा कुछ करते हैं, अरे हसनी भी बन जाओ। इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह फरमाई है, इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को तस्लीम दिया है, और अमीर माविया ने इमाम हसन की बात हमें नजराने पेश किए है। अब जरा बताओ, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला को माने और तू हुसैनी बोल करके मानने का इनकार करे, सालिम अपने ईमान का मुहासबा कर और अपना जायजा ले कि तू दीन से कितना दूर जा चुका है, ईमान से कितना दूर जा चुका है। ईमान के करीब आ, दीन के करीब आ। अगर ईमान समझना चाहता है, अगर नवाज की तालीमात समझना चाहता है, तो तुम्हें कोई चपरासी या चरसी न समझाएगा, तो बरेली का इमाम अहमद रजा समझाएगा। सोचा तो मैं समझाएंगे, दीन क्या है, ईमान क्या है।